आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव पर्वतपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर तो ब्लॉक से 13 किलोमीटर है। 1200 वोटों वाले इस गांव की कमान मित्रपाल ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। 4 वर्ष में कितना विकास हुआ है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक स्वार के पर्वतपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा काफी विकास अब तक करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 वर्ष आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में अब तक करवाए हैं? गांव में सीसी रोड डलवाए हैं, सारे गांव में सीसी रोड है जी। और स्कूल का भी विकास किया है, उसमें फर्श वगैरह टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था है जी जी। और खरंजे वगैरह भी लगवाए हैं गांव में। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत? ओडीएफ हो गई है, लेकिन अभी थोड़ी रह गई है ओडीएफ में जी। अभी बाकी हमें 24 टॉयलेटों की हमने डिमांड की है, वो अभी आए। अभी 24 शौचालय यहाँ और चाहिए। आवास मिले हैं लोगों को? आवास नहीं मिले, क्योंकि हमें 2 आवास मिले थे केवल, 2 ही आवास थे हमारे पे और 2 ही मिले हैं, बाकी कोई आवाज। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई हैं? सोलर लाइट नहीं लगवाई हमने, यहाँ पे ग्राम पंचायत में जो कूड़ेदान है वो लगवाए हैं। कूड़ेदान लगवाए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ गांव में सभी को मिल पाता है, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, जो केंद्र सरकार गरीबों के लिए जिस तरह की भी योजनाएं चलाती है वो आपके गाँव में सभी को मिल पाती है? सभी को मिल पाता है। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? वो भी यार, कुछ लोगों का रह भी गया। बीजों पर सब्सिडी मिलती है? हाँ, वो भी यार। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है, साफ सफाई। सफाई कर्मी आते हैं नियमित? नियमित आता, आज भी आया हुआ है। पीने का पानी हमने यहाँ सुना है आसपास के एरिया में काफी दूषित पानी यहाँ पीने का है, क्या आपके गांव में भी ऐसी समस्या है? यहाँ पे नलों की व्यवस्था थोड़ी कम है, 3-4 नलों की जरूरत है, वो लगवाने हैं। हैंडपंप की जरूरत है, बाकी नल लगे हुए हैं। कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे हैं जिनके लिए आवास की जरूरत है? यहाँ पर कम से कम 40-45 आवास। क्या अभी भी कच्चे रास्ते बाकी हैं गांव में? गांव में कच्चे रास्ते बस केवल 2 हैं। कितना मीटर सीसी की अभी यहाँ आवश्यकता है? लगभग ऐसी 150-1 मीटर सीसी चाहिए, बाकी सारा पक्का। बारात घर, पंचायत भवन, ये सब निर्मित है? बारात घर नहीं है, लेकिन बारात घर भी कोई नहीं है, बारात घर की डिमांड दे रखी है। पंचायत भवन, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र हमारा अभी बना है, पहला भी। खेल का मैदान, खेल का मैदान हमें बनवाना है। शमशान घाट, शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट के लिए कितना दूर यहाँ से जाना पड़ता है? यहाँ से ऐसे पड़ेगा लगभग 1.5 किलोमीटर। तो अब अपने गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? हमारे घर जैसे कि शमशान घाट की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, और यहाँ पर नलों की थोड़ी कमी है वो पूरी होनी चाहिए। हैंडपंप के लिए आवास नहीं है, आवास मिलने चाहिए जी। और कोई बस मेन प्रॉब्लम तो यही है, धर्मशाला भी वगैरह नहीं है। अरे धर्मशाला की, बारात घर और पंचायत भवन के लिए, बारात घर के लिए हमने डिमांड दे रखी है जी, वो हो सकता है हमें मिल जाए। इस जो अभी कार्यकाल आपका बाकी है, उम्मीद है कि इसमें मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है। सीसी टाइल्स कार्य और शौचालय से भी ओडीएफ हो चुकी है गांव, ये ग्राम पंचायत शौचालय से भी ओडीएफ हो चुका है। आवास यहाँ केवल 2 लोगों को मिले हैं, लेकिन यदि समस्याओं की तरफ नजर करें तो यहाँ अभी भी कुछ मूलभूत समस्याएं ऐसी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि लगभग 40-45 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। लगभग 150 मीटर सीसी की भी यहाँ प्रधान ने मांग रखी है। इसके अलावा प्रधान ने जो प्रमुख मांग यहाँ पर रखी है वो पानी को लेकर है, क्योंकि पानी पीने का यहाँ दूषित है, यहाँ हैंडपंप की बहुत आवश्यकता है, 4-5 हैंडपंप की भी ये यहाँ पर मांग रखते हैं। बारात घर और पंचायत भवन को लेकर भी यहाँ आवश्यकता जताई गई है। अशरफ अली के साथ नाज़रीन, टुडे 24 से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवंत सिंह है जी। इस विद्यालय में किस पद पर कार्यरत हो आप? मैं हूँ 26/12/2016। अच्छा, यहाँ प्रधान जी द्वारा यहाँ विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया है? ये जो फर्श है प्रधान जी ने कराया, और टॉयलेट वगैरह, और सबमर्सिबल डलवाया था नल के अंदर, और ये बिल्डिंग के अंदर भी ये प्लास्टर वगैरह काफ़ी मरम्मत कराई, काफ़ी विकास यहाँ पे। बरामदे के अंदर भी ये सभी इन्होंने कराया, फर्श वगैरह।